राम राम जी। कई बार रास्ते में गाड़ियां बंद हो जाती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। आज उन्हीं टॉपिक पे बात करने वाला हूं, चूंकि ये गाड़ी खींच के आई है, रास्ते में बंद हो गई थी, लेकिन प्रोसेस बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। और ये गाड़ी तो चूंकि 15 दिन पहले खींच के आई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, आज 15 दिन बाद इस गाड़ी का नंबर आ रहा है। स्टेप क्या होना चाहिए टेस्टिंग का, आखिर क्यों बंद हो गई, क्यों स्टार्ट ना हो रही है, उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। झाले तक भी पड़ गए हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी कितने दिन से खड़ी है कि झाला भी पड़ गया इसमें। अभी हम ये झाले को हटाते हैं, ये देखो। ये कंडीशन है इंजन की, पहले ऑयल जरूरी है चेक करना, ऑयल है कि नहीं है। ऑयल है, ऑयल भी पूरा है, ऑयल कम नहीं है, पूरा है। कूलेंट की चेक कर लेते हैं, कूलेंट भी मुझे लग रहा पूरा ही है, पूरा है। डब्बे में पानी है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। चेक इंजन लाइट आ रही है, ऑयल की लाइट आ रही है। 2,03,599 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट से पहले एक पॉइंट चेक करेंगे कि फ्यूल मोटर चल रहा है कि नहीं। सारे विंडो हमने बंद कर लिया है, सारो ग्लास। अभी दोबारा से ऑन करके देखेंगे कि वो साउंड मोटर चलने की आ रही है कि नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रही है, हो सकता है फ्यूल ना आ रहा हो, क्योंकि अभी मैंने गाड़ी को फर्स्ट टाइम में चेक कर रहा हूँ। एक बार मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। बैटरी भी डाउन है, तो दूसरा बैटरी टो करेंगे। अभी मैं इस बैटरी को निकाल के पहले चार्ज में लगाता हूँ। बैटरी को लगा दी चार्जिंग में, हो जरा ये दूसरी बैटरी हम रख रहे हैं फिलहाल के लिए, अपनी तो चार्जिंग में लगा दिया मैंने, रखो दूसरी बैटरी है फिलहाल के लिए लगा रहे हैं, ताकि हमारा बैटरी तो चार्ज हो रहा है। टर्मिनल लगाओ और हटना जरा। अभी कुछ भी हाथ नहीं लगाया, ना कुछ टेस्ट किया, चूहे पुए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी ज़्यादा दिन खड़ी होती है। या फिर तो अभी मेरे को पेट्रोल पाइप जो देख रहे हैं, ये पेट्रोल पाइप निकाल के सबसे पहले पेट्रोल इसलिए चेक करना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि थोड़ा आवाज़ मेरे को लग नहीं रहा था उसका, तो पहले पेट्रोल का पाइप निकालो। निकालो इस पाइप को, निकालो बस। चलो अब इसमें देखो जरा, ऑन करके प्रेशर ऑन करो और देखो तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल आ रहा है, पर ऑन करो जरा। ऑन कर, ऑफ कर, ऑन कर, ऑफ कर, काट के ऑन कर, काट के ऑन कर। तो तेल नहीं आ रहा इसके अंदर, इसलिए हो सकता हमारी गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो पहले हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और फ्यूज हम चेक करेंगे इसमें सारे में, ये सारे फ्यूज और रिले, तो फ्यूज और रिले सारे चेक करेंगे। मल्टीमीटर से सेट कर लो, ये मल्टीमीटर है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके ये कन्फर्म करेंगे कि यहाँ पे फ्यूल क्यों नहीं आ रहा, नहीं आएगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए हम कन्फर्म कर रहे हैं। भाई फ्यूल पंप तो चेक कर लिया, मोटर ख़राब है फ्यूल पंप का। अभी फ्यूल पंप के बगैर हम सेल्फ को लगाते हैं। लगाओ जरा सेल्फ को, लगाओ। 1136 हो रहा है, दूसरी बैटरी लेके आओ एक बार। 50% बैटरी चार्ज है, रखो भाई। ये थोड़ी साफ सुथरी सी है, कुब्बल है की है ये भी, पर उससे तो थोड़ी साफ सुथरी है। इसके मल्टीमीटर से चेक करियो जरा कितना वोल्टेज है। प्लस को प्लस में लगाओ, माइनस प्लस उल्टा क्यों लगा रहा है तू यार? हाँ ये बात है, प्लस को प्लस में लगाओ। 12.7 है, तो ये क्या माने हम? तो इतना स्लो क्यों ये बैटरी? ये बैटरी वाले जैसा चोरी किए हो ऐसा बोल रहे हो यार। बैटरी चार्ज है, कैरम फुल चार्ज है बैटरी। तो तेज बोलो ना, फुल चार्ज है, जान लगा के बोलो, जल्दी टाइट कर। जान लगाया वो चल रहा, बस रुक जाओ, थम जाओ, पेट्रोल चलो ऑन मारो, बस पेट्रोल नहीं आ रहा, मोटर खराब है। सीएनजी पे डायरेक्ट करके स्टार्ट करो।
रेज दो रेज दो। रुक जाओ एयर फिल्टर खोलो, देख लो क्या क्या पंगे होते हैं, मुसीबत होती है। एयर फिल्टर खोलो जरा, एयर फिल्टर की कंडीशन ये रही। अब पता नहीं ये इंजन पानी में घुसा था, कैसे बंद हो गया ये तो पता नहीं है, पर 15 दिन में तो ये फिल्टर भी सूख जाएंगे। हाँ मैं इसके सबसे पहले थ्रोटल बॉडी का पाइप निकलवाता हूँ, तभी पता पड़ेगा। हटाओ, चलो एक बार और सीएनजी पे कर, किट देनी बोला एक बार। सीएनजी भी है और बोल भी रही है गैस पे डायरेक्टली, और डायरेक्टली स्टार्ट भी करते हैं कस्टमर। भाई कंप्रेशर बहुत कम बन रहा है, स्पार्क प्लग को खोलो, क्या कंडीशन है देखना पड़ेगा। सीएनजी कट देने बोल रही है, आपको पता पड़ रही है कि नहीं? एक बार करियो रे जरा दोबारा सीएनजी पे, चलो मारो। रुक जाओ स्पार्क प्लग खुलवाओ जरा, चलो ये 3 प्लग निकाल दिए, 2 नए डलवाए रखे हैं इन्होंने, पहले एक पुराना है इनका। स्पार्क प्लग खोलो जरा, निकाल, क्या कंडीशन है। स्पार्क प्लग भी भाई साफ सुथरे से निकल रहे हैं, ठीक है दूसरा निकालो, लो पकड़ो। ये भी साफ सुथरा सा है, हटाओ, इसका भी गैप ठीक है। तीसरा दो, ये भी भाई एक्यूरेट है स्पार्क प्लग। इसे फंसाओ इसमें और सेल्फ मार के देखो करंट आ रहा कि नहीं आ रहा इसमें, चलो। बस तो पहली बात कि भाई इसमें करंट भी नहीं आ रहा, हमने कनेक्टर लगा दिए हैं, तो 2 पंगा, एक ही एक करंट का, यानी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या चक्कर है। अभी कार स्कैनिंग किया और कार स्कैनिंग में मुझे क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का दिखा रहा है, और जो करंट नहीं आ रहा है स्पार्क प्लग पे, तो उसके लिए मुझे भी क्रैंक सेंसर को टेस्ट करना पड़ेगा। सेल्फ मारना जरा, मारो सेल्फ। नहीं नहीं नहीं, बस कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एक इंजन स्पीड का, अब नॉट एक्टिव हो गया ना अपने आप ही, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी क्रैंक सेंसर सीधा सीधा डाउट जा रहा है। और चूंकि सारे वायरिंग देख ही सकते हैं ये निकाल रखा है, एक एक वोल्टेज को कनेक्टिविटी के वोल्टेज में कितनी सप्लाई आनी चाहिए, पर करंट का रह गया इसका, करंट के लिए वायरिंग चेक कर रहे हैं, क्रैंक सेंसर चेक कर रहे हैं, क्योंकि क्रैंक सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा है। ये रहा क्रैंक सेंसर, निकाल रखी है हमने, अब पूरी तरीके से मल्टीमीटर क्या समझ सकते हैं। तो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि ये जो भी काम भाई अपने पास गाड़ी आई है ना खींच के, तो पहले बहुत ज़्यादा ट्राई हो चुकी है तब जाके आई है मेरे पास, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ हल्के में होती तो भाई हो जाती, अब एक एक वायरिंग को टेस्ट करना पड़ रहा। आप समझिए कितना बारीकी से कि हमें पूरा इसका करंट गायब है, मतलब क्रैंक सेंसर वहाँ से लेके किधर दिक्कत है वो देखना पड़ेगा। अभी इश्यू ये देखिए, इश्यू को निकाल के एक एक चीज टेस्ट करा जा रहा है, कहाँ से दिक्कत है भाई। मैं हल्के में ले रहा था, ये रोड पे होने की नहीं स्टार्ट, ये गैराज खींच के ही लानी पड़ती। मैं बता रहा हूँ क्यों खोला, हटाओ इसे नीचे हटाओ, पूरा इंटेक मैनिफोल्ड खोल लिया भाई, टैक्सी की गाड़ी का तो जानते हैं ना जुगाड़ बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये करंट का मसला चल रहा है इसके कॉयलों के करंट का, करंट सेंसर का, ECM से, तो कुछ भी चेंज करने से पहले भाई चेक करना जरूरी है कि फॉल्ट किधर है। इन्हें बड़ा बड़ा ECM नया ले आकर डाल दिए, ये कॉइल नया देखो 2 किसी ने डाल भी दिए ऑलरेडी, नहीं हुआ, कहाँ से होगी जब ऐसे पंगे रहेंगे तो कहाँ से होगी, इतना ज़्यादा पंगा था। तो हम एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं इसे। एक्चुअली हमें वायरिंगों में समझ में आया कि फॉल्ट वायरिंग के अंदर ही है, इसलिए हमने ECU कुछ भी चेंज नहीं किया। इस वायरिंग को निकालो जरा, बाहर लेके आओ जरा। तो वायरिंग को निकालने के लिए हमने मैनिफोल्ड को भी खोलना पड़ा, रखो यहाँ पे, यहाँ रखो जरा। अब डायग्नोस करते हैं एक एक चीज, उसके बाद देखते हैं कहाँ फॉल्ट है। अभी हमने डायग्नोस किया इसके फॉल्ट को, फाइंड आउट किया मैंने क्लियर, ठीक है सर। अभी देख रहे हैं वायरिंग कैसे, ये डैमेज हुई है वायरिंग, ठीक है, ये वायरिंग फिलहाल तो डैमेज है, ये घिस घिस के बॉडी से
ये डैमेज हो गई, एक तो यहाँ से हो गई, अब दूसरी चीज़ आ जाओ यहाँ, ये मैं क्लियरिटी के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये भाई ये पूरी तरीके से इनका खेल ख़त्म हो गया, देख रहे हैं नहीं ये, और इसको ये देखो टूट भी गया। मज़े की बात देखो, तो ये बिल्कुल यहाँ ये पंगा था कि ये वायरिंग डैमेज हो गई घिस घिस के बॉडी से। अभी और पूरी वायरिंग हमें चेक करनी पड़ेगी बहुत तरीके से, तभी उधेड़ो इसको, देखो कहाँ कहाँ से गड़बड़ी है इसकी सारी। और भाई धीरे 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 ना काफ़ी आइटम है हमने बखेड़ ली, कस्टमर का नुकसान ना जाए, फालतू की चीज़ें ना चेंज हो, इसके लिए हमें पकड़ना जरूरी, हमारा मेहनती तो है और क्या, हमने कोई पार्ट तो नहीं ला के डाल दिया, पहले चेक किया सब कुछ, अपना मेहनत है बस। तो फॉल्ट पकड़ में आ गया कि वायरिंग का ही फॉल्ट था इसमें, वायरिंग रगड़ रगड़ के और दो दिन लगे लगे हो भी गया भाई पूरा, समझ ही सकते कितना एक एक चीज चेक करने में। तो अब जाके फाइनली हमें ये वायरिंग का फॉल्ट लगा, अब इसको रिपेयरिंग कर देंगे, मजा आ जाएगा गाड़ी के अंदर। अभी भाई वायरिंग को रिपेयर कर रहे हैं हम, और वायरिंग रिपेयरिंग के लिए स्पेशल टेप है। वैसे तो 10 रुपये वाला जो टेप होता वो इतना कारगर नहीं होता, लेकिन ये टेप की साइज बड़ी है, उससे मुझे लग रहा है ये डबल है साइज में। और ये स्पेशल टेप होता है पीसीबी टेप, पीवीसी टेप, पीवीसी देख रहे हो लिखा हुआ। तो ये टेप चूंकि बहुत ही ज़्यादा ये उखड़ता नहीं है जल्दी से, तो स्पेशल मैंने टेप भी मंगाई है वायरिंगों के लिए। अभी एक एक चीज़ की रिपेयरिंग चल रही है वायरिंग की, ताकि एक एक चीज़ का कोई दिक्कत ना हो, और बड़ी सावधानी से वायरिंगों करना पड़ता पूरी तसल्ली के साथ। वायरिंगों की टेपिंग देख सकते हैं आप तरीके से, जो भी एक भी गड़बड़ नहीं। ये देखो यहाँ से देख रहे हैं ना टेपिंग कैसे जा रही है, नीचे की लाइनें देखो, वो देखो तो बहुत बारीकी से इसका, ये देखो ईसीयू का अपना कितना, जो कंपनी फिटेड वो सेटिंग होती है उसकी, तो ये सारी हमने बिछा दी टोटल, देख सकते हैं आप वायरिंग को। अब वायरिंगों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी यार, लिमिट से ज़्यादा, हर नक्के को लगाना जरूर, कई सारे नक्के निकले हुए थे वो निकल के बॉडी में फिर अड़ते हैं या फिर कटते हैं, तो सारे चीज़ों को जहाँ जहाँ से क्लिप है उसका क्लिप को जोड़ना पड़ेगा, एक एक क्लिप को देखो ये जैसे चारे है, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ क्लिप से जोड़ी गई है, तो ये चक्कर पड़ जाता है। ये देखो सारे क्लिप यहाँ फिट है वायरिंगों को, और वायरिंग हिलेगा नहीं यहाँ से, देख रहे ना ये हिलेगा नहीं, कहीं रगड़ेगा नहीं, ये चीज़ का हमने नोटिस करना, सारे क्लिपों को फंसाना है एक लाइन से, एक क्लिप देखो ठीक है। तो ऐसे क्लिपिंग कर दी हमने, और लमसम हमारा इधर से देखो कनेक्शन, ये देखो तो अभी सेटिंग चली रही है, अभी इसको सेट करते हैं ये सारी वायरिंग शोरिंग सारा, उसके बाद से फिर देखते हैं स्टार्ट करके क्या कहानी है। एक बार हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, कंडीशन होके आपको चेक कराते हैं, स्टार्ट करो जरा एक बार। अभी बेल्ट बुल्ट सारे खुला पड़ा है, मैंने चेक करवाया आपको, ठीक है बंद करो जरा। शाबाश, तो आपने देख ली गाड़ी स्टार्ट हो गई काफी मशक्कत के बाद, इसके बहुत सारे वायरिंगों में इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, तो सब कंपनी फिटेड प्रॉब्लम रिसॉल्व किया, मतलब जैसा कंपनी करती है पता नहीं करती है रिपेयर की चेंज करती है वो, हम उसको अच्छे से बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए वैसा वाला काम किए, ताकि आगे तक भी कोई शिकायत ना हो। अब बहुत बारीकी, बहुत टाइम लगा इसमें, हालांकि ये नहीं है कि ऐसा फटाफट जोड़ा कर दिया। और देखो वायरिंग पीछे से कैसे अंदरों से जा रही थी, कहाँ कहाँ से लग रहा था उसका, कहाँ कहाँ से घिस घिस के टूटा था, वो सारे चीज़ जहाँ जहाँ से था हमने एक्यूरेट उसको चेंज किया सारे, और ओरिजिनल वायरिंग चेंज किया। देखो वायरिंग में से निकाल के, अब मेरे पास वायरिंग का गड्डी है पूरा, तो उस वायरिंग में से निकाल के वायरिंग को डाला है, मतलब रिपेयरिंग के चांसेस नहीं है कि यहाँ से काट के रिपेयर, उसको पूरा लाइन को चेंज करना पड़ा, तो ऐसा चक्कर पड़ गया। अब पूरा चेंज करने के लिए पूरी लाइन खोलनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फुल हमने खोला था। अभी फिटिंग करा दो, पेट्रोल तो आ गया भाई, ऑफ करो। अभी चेक लाइट तो कोई आ नहीं रही है, पर इंजन में जो है थोड़ा सा साउंड है इसके, बाकी कस्टमर से हम बात करेंगे क्या है साउंड, बाकी बढ़िया रेस ले रही है इस टाइम में, बहुत बेहतरीन हो गई गाड़ी, तो वायरिंगों का इशू था सबसे ज्यादा। अभी आइडल पे है ये,
बोनट खोलो जरा। अभी गाड़ी तो हो गई बढ़िया स्टार्ट, अभी क्लिप उलिप ऐसे लगाया नहीं है, अभी ऐसे ही है लगा हुआ। कल इसे क्लिप उलिप को सारे को लगाऊंगा, वहाँ की क्लिप, यहाँ की क्लिप। अभी इंजन में एक थोड़ा सा साउंड आ रहा है, उसे चेक करेंगे, बैटरी का ताला वाला सारे लगाएंगे। अभी गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट, और इतना मशक्कत करना पड़ा स्टार्ट के लिए, ठीक है। अभी वो देखो, वो भी पेच अभी लगाना है, अभी वो भी लगाया नहीं, उन्होंने ऐसे गाड़ी को सेट कर दी। तो कभी भी ऐसा होता है, कई बार जब ट्राई कर लेते हैं उसके बाद से भी नहीं होता, तो इतना कुछ काम जाम खोलना पड़ता है, ठीक है। तो यही था, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू। बंद कर दो गाड़ी, गाड़ी ओके हो गई।